गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज फोर्स विच एक्ट्स रेडियली, रेडियली होता है रेडियस के ऊपर, रेडियली आउटवर्ड एज ए बॉडी रिवॉल्व इन सर्कल। जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एक फोर्स जो है, ये देखो आपको पीछे करवाया मैंने कि एक फोर्स अंदर जो एक्ट करती है उसका नाम होता है बेटे सेंट्रीपेटल फोर्स। वो सेंट्रीपेटल फोर्स तो एग्जैक्टली एक फोर्स है। कैसे? जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है। कौन सी फोर्स होती है बेटे? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस पर काम करता है? अंदर की ओर, सेंटर की ओर, तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सेंट्रीपेटल फोर्स बन गया। तो कितनी थी वो सेंट्रीपेटल फोर्स? हाफ एमवी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आज हमारा आर्टिकल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या है? एक बॉडी बेटे सर्कल में घूम रही है ऐसे, तो उस पे ना बेटे एक फोर्स बाहर की ओर काम करती है, तो इट इज ए फोर्स विच एक्ट्स रेडियली, रेडियस के ऊपर, आउटवर्ड बाहर की ओर, एज ए बॉडी, जब एक वस्तु रिवॉल्व इन सर्कल, सर्कल में चक्कर काटती है, एक वस्तु सर्कल में चक्कर काट रही है, तो एक बल बाहर की ओर कार्य करता है, उस बल का नाम है बेटे हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। बात है ये बल कहां से आया, ठीक है बेटे? होता क्या है, कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में है ना बेटे, अगर बल ना लगाएं तो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। वस्तु जिस स्थिति में होती है, बल अगर ना लगाएं तो उसी स्थिति में रहने की कोशिश करती है। होता क्या है बेटे, जब वस्तु सर्कल में घूमती है उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इधर होती है बेटे, रेडियस से 90 डिग्री पे होती है, रेडियस से 90 डिग्री पे, यहां पे है वस्तु, यहां उसकी वेलोसिटी जो है वो इधर है। आपको पहले भी बताया था वेलोसिटी रेडियस से कितने एंगल पे होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होती है बेटे, 90 डिग्री पे। अब एक चीज देखो बेटे, पहले ये वस्तु यहां थी, अब ये वस्तु यहां आ गई, यहां देखा ये घूम रही है, अब वेलोसिटी इधर होगी। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी की दिशा परिवर्तन हो रही है बेटे, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है कब? जब बॉडी सर्कल में चक्कर काटती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, एक वस्तु है, आप बस में बैठे हो, आप बैठे हो बेटे बस में, ये बस में बैठे हो, आप सीधा रहने की कोशिश करते हो, आपकी जो वेलोसिटी है ना वो इधर होती है, बस अंदर की तरफ मुड़ गई, आप वहीं रह गए, क्यों? आप सीधा जा रहे हो। जब बॉडी सर्कल में घूमती है उसकी वेलोसिटी रेडियस से 90 डिग्री पे होती है, ठीक है बेटे? आप तो ऐसे जा रहे हो ऐसे, और बस अंदर की ओर मुड़ गई, तो इसका मतलब कि आप वहीं रह गए, बस अंदर की ओर मुड़ गई, क्योंकि बस सर्कल में चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब आप किस तरफ गिरोगे, बाहर की ओर। एज ए बस टेक ए सर्कुलर टर्न, पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड। कहता है जब एक बस, ए बस में बैठे ऐसे घूम गई बस, तो आप बस थी आ रही थी बेटे एकदम ऐसे घूम गई, तो आप बाहर की ओर गिरोगे, यात्री जो है वो बाहर की ओर जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, जब आप सर्कल में घूम रहे थे बेटे आप सीधा रहने की कोशिश करते हो,
बस अंदर मुड़ गई, आप वहीं रह गए, तो इसका मतलब क्या है, आप बाहर की ओर गिरोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पे ऐसा महसूस होगा कि एक बल किस तरफ लगा हुआ है, बाहर की ओर। अब ऐसे देख लो बेटे, एक ना यहां रस्सी ले लो, रस्सी ली बेटे, मैंने रस्सी ली, रस्सी के पत्थर बांध दिया, उसे जब घुमाएंगे ना, घुमाएंगे तो पत्थर बाहर की ओर जाएगा, ऐसे करके। देखो आप, रस्सी के पत्थर बांधो, उसे घुमाओ बेटे ऐसे, जब घुमाएंगे ना तो रस्सी एकदम अपने आप सीधी हो जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रस्सी पे बल किस तरफ पहले गिरी हुई थी, जब आप घुमाओगे तो जब ऊपर भी चली जाएगी रस्सी, ऊपर भी चली जाएगी, वहां भी सीधी रहेगी ऐसे करके। इसका मतलब क्या हुआ, रस्सी पे एक बल बाहर की ओर काम करता है, उस बल का नाम होता है बेटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो तभी काम करता है जब बॉडी सर्कल में घूमती है। इसकी एप्लीकेशन बेटे किसकी एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मीन्स वो लागू कहां होता है, वो लागू कहां होता है। पहला है बेटे सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है विच सेपरेट, अलग अलग करती है, सेपरेट लाइट पार्टिकल्स फ्रॉम हैवी पार्टिकल्स, जो दूध वाले होते हैं ना बेटे, दूध वाले जो दूध की फैट निकालते हैं, फैट निकालते हैं, वो क्या करते हैं, दूध को एक ट्यूब में डाल के ना, ट्यूब में डाल के फिर उस ट्यूब को ऐसे घुमाते हैं ऐसे करके। तो जो भारी, जब ट्यूब ऐसे, पहले पहले ट्यूब बेटे गिरी हुई है, जब आप ये ट्यूब है जब घुमाया ना, ट्यूब ऐसे हो जाएगी, ऐसे इसमें जेल में चली जाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे जब घूमेगी ना तो भारी पार्टिकल जो है ना वो इधर जाएंगे, हल्के पार्टिकल नजदीक नजदीक रह जाएंगे। दूध वालों के पास फैट निकालने की मशीन होती है बेटे, वो दूध डाल के उसमें ट्यूब में उसको ऐसे घुमाते, पहले ट्यूब ऐसे होती है, जब घुमाते हैं तो ट्यूब इस पोजीशन में चली जाती है। तो जब ट्यूब ऐसे घूमती है ना, भारी जो कण होते हैं ना, तो भारी कण वो इधर चले जाते हैं, हल्के कण एक्सिस के साथ साथ घूमते हैं। जैसे दूध से मक्खन नहीं निकालते बेटे, वो कैसे है, दूध से मक्खन निकालते हो, देखो ये बीकर है, इसमें आपने क्या किया, ये इस प्रकार का एक सिस्टम सा बना दिया, ये ब्लेड से बना दिया, इसमें आपने दूध डाल दिया, ये पत्तियां सी है बेटे, ये पत्तियां हैं इसमें, दूध नहीं निकाल, दूध से मक्खन निकालते हो, तो क्या करते हो आप, इसको ना घुमाते हो बेटे। आपने क्या किया, ये ना इससे, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस है बेटे, इस एक्सिस, ये जो जब इस ऊपर वाले को घुमाएंगे आप ऐसे करके, तो ये जो पत्तियां सी हैं साथ साथ घूमेंगे, तो बेटे जो सारा लिक्विड है ना वो भी घूमेगा ऐसे करके। तो जब लिक्विड घूमे, जब आप इसको घुमाएंगे तो पूरा जो लिक्विड है ना बीकर का, वो भी घूमेगा ऐसे करके। तो लिक्विड जब घूमता है, जब सर्कल में घूमता है, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। जब कोई लिक्विड सर्कल में घूमता है, लिक्विड सर्कल में घूमता है, घूमता है, उसे घुमाया जाता है, तो बेटे उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तो ये कण है बेटे, और एक ये कण है, एक लाइट पार्टिकल है, एक हैवी पार्टिकल है, एक हल्का कण है, एक भारी कण है। तो बेटे जो भारी कण है ना, भारी कण, उसका मास ज्यादा होगा, मोर इज मास, जितना एम ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मोर। तो बेटे अगर एम ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब जब भारी कण है ना, जब घुमाएंगे बेटे, भारी कण तो दूर दूर घूमेंगे, हल्के कण नजदीक नजदीक घूमेंगे। जब आप इसको घुमाएंगे ना ऐसे करके, तो जो हल्के कण है वो तो नजदीक नजदीक घूमेंगे, और भारी कण क्या करेंगे, दूर दूर घूमेंगे, क्योंकि जो भारी कण है उनका एम ज्यादा है, उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर का बल काम करता है, वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है बेटे, तो भारी कण अलग हो जाएंगे और हल्के कण अलग हो जाएंगे।
इसमें क्या होता है बेटे, इसकी एप्लीकेशन, इसकी सेंट्रीफ्यूज मशीन की एक है, एक लिखो क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम निकाली जाती है। बी है बेटे हनी इज सेपरेटेड फ्रॉम वैक्स, वैक्स होता है बेटे छत्ता, छत्ते से, जैसे जो इसका व्यापार करते हैं ना बेटे, किसका व्यापार करते हैं ये शहद का, तो बड़े लेवल पे जो काम किया जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या करते हैं शहद का जो छत्ता है ना बेटे, उसको जैसे आप दूध में, जो आप दूध से मक्खन निकालते हो, दही से मक्खन निकालते हो या क्रीम निकालते हो, घुमाना नहीं पड़ता, तो इसमें बेटे छत्ते को शहद समेत घुमा देते हैं, तो छत्ता अलग हो जाता है बेटे, शहद क्या हो जाता है अलग। इसका सेंटर सेकंड पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो हमारे गांव में मोटरें लगी होती, मोटर जो कुएं से पानी बाहर निकालते हैं बेटे, गांव में जो कैविटी होती है, तो वो क्या करती है, वो क्या करती है नीचे से पानी बाहर फेंकती है, तो उसमें जो पंप है ना बेटे, वो कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसमें क्या किया जाता है बेटे, जो तो पंखा है ना, जो नीचे है, नीचे पंखा है जमीन के अंदर, वो पानी को घुमाता है, तो जब पानी को घुमाता है, पानी पे बल किस तरफ लगता है, बाहर की ओर, यहां आपने पाइप लगा दिया, तो यहां से बेटे पानी जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कहां से आएगा बाहर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पानी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन है बेटे फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया, ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज विंड, विंड होता है बेटे घुमाना, इन वर्टिकल सर्कल, क्वेश्चन है बेटे फर्स्ट बकेट होता है बाल्टी, पानी की बाल्टी लो, ये आपने ली बेटे पानी की बाल्टी, पानी की आपने बाल्टी ली और उसको ना पानी की बाल्टी लेके उसको ऐसे घुमाओ, विंड होता है घुमाना, ये वर्टिकल सर्कल है बेटे, जो घर में पंखा चलता है ना ऐसे करके, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलता है, आप ऐसे घुमाएंगे तो वर्टिकल सर्कल में, पानी की बाल्टी लो, डोलू में पानी ले लो, उसे ऐसे घुमाओ, अगर आप घुमाएंगे ना बेटे ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा रहे बाल्टी को, बाल्टी जब सबसे ऊपर चली जाएगी ना, ऐसे ऊपर चली जाएगी, नहीं तो जब बाल्टी ऊपर जाएगी तो उसका मुंह नीचे की ओर हो जाएगा, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे भी पानी नीचे नहीं गिरेगा, आप बाल्टी लो ऐसे, पानी से भरा उल्टी कर दो, पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर आप बाल्टी को घुमाएंगे ना, बाल्टी को घुमाएंगे बेटे, घुमाओगे तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, लिखा हुआ है वाटर डज नॉट फॉल इवन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे भी पानी नीचे नहीं गिरता बेटे, उसका कारण क्या होता है, जब आप सबसे ऊपर चले गए तो पानी का वेट क्या होता है बेटे, नीचे की ओर, तो जब बॉडी सर्कल में घूमती है एक फोर्स सेंटर की ओर काम करती है हमेशा, तभी बॉडी सर्कल में घूमेगी, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो वेट है ना बेटे, वेट ये रहा, वेट किस तरफ है बेटे, वेट सेंटर की ओर है, वेट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, बाल्टी का जो पानी का भार है किस तरफ आएगा बेटे, नीचे की ओर, मतलब सेंटर की ओर काम कर गया, जो वेट था ना बेटे वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, तो वेट खत्म हो गया, वेट क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। आ गया बेटे क्वेश्चन, इसे मिलता जुलता ही है, व्हाट सेकंड, व्हाट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स
एस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ व्हाट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। उपग्रह धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? ये धरती है, धरती के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं, तो जो अर्थ है बेटे अर्थ है वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। कौन सी फोर्स होती है बेटे? ग्रेविटी। ये सैटेलाइट घूम रहा है बेटे, कौन सी होती है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती हर बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचती है, कौन सा फोर्स है बेटे? वो गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल था, सेंट्रीपिटल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर काम कर रही है, तो जो फोर्स सेंटर की ओर काम करती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटे, बाकी ये चैप्टर कल को पूरा हो जाएगा। थैंक यू।